बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने अब तक स्कूल में स्किल बिल्डर और अपना स्टडी पैक 1 सबमिट करवा दिया है, जिनका काम आप सब बच्चों ने बहुत मेहनत से किया है और जिनकी भी सुपरविजन में आपने ये वर्क किया है, उनकी मेहनत भी काबिले सताइश है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आपके लिए स्टडी पैक 2 तैयार किया गया है, जिसमें मैथ के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है। मैथ के जो टॉपिक्स हमने समर पैक 2 में आपको दिया है, फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? नंबर दैट आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गेट अ प्रोडक्ट। वो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट हासिल करने के लिए, वो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। मतलब फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फैक्टर इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट। किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, वो उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे राइट करती हूँ 2 × 3 = 6। 2 × 3 = 6, मतलब 2 और 3 जो है वो हमारे पास 6 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा आंसर आता है वो उसके फैक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि फैक्टर्स राइट करें, हम इसी नंबर को ले लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ सिक्स। ठीक है, अब हमें यहाँ से पता चल रहा है 2 और 3 फैक्टर्स हैं, लेकिन फैक्टर्स राइट करने के रूल है, सबसे पहले फैक्टर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 जो है वो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का। जब भी हम फैक्टर स्टार्ट करेंगे 1 से करेंगे, 1 जो है वो स्मॉलेस्ट फैक्टर है। फैक्टर राइट करने से पहले हम इसके पेयर बना लेते हैं। अभी ऊपर तो आपको एक समझ आ गई, लेकिन फिर भी पेयर किस तरह बनाना है, हमने 1 से स्टार्ट करेंगे हम। 1 × 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हमारा जो प्रोडक्ट है वो 6 आ जाए। 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा प्रोडक्ट जो है वो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हम 2 से करते हैं, 2 को हम 3 से करते हैं, 2 × 3 = 6। फिर हमारे पास 3 आता है, 3 × 2 = होगा, ये नंबर रिपीट हो जाएंगे, हम रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट 4 आता है, 4 × 2 = 8 होता है, 6 उसमें आ ही नहीं सकता। इट्स मीन 6 के जो फैक्टर हैं 1, 6, 2 और 3, ये 4 फैक्टर्स जो हैं हमारे पास 6 के हैं। राइट करना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट 1 जो है वो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, उससे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम सीक्वेंस से नंबर राइट करेंगे, 1, 2, 3 और देन 6। फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास ऑलवेज लिमिटेड होते हैं, स्टार्ट हमेशा 1 से होते हैं, एंड जो है वो इटसेल्फ जिस नंबर के भी हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं उसी पे आके वो एंड हो जाते हैं। ठीक है, जब भी आपसे फैक्टर्स के बारे में पूछा जाए तो आपने ये बताना है कि ये नंबर किन नंबर से डिवाइड होगा, या फिर ये किन नंबर्स के टेबल पे आते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ 6 के फैक्टर्स हमने लिखने थे, तो हमने बताया है ये 1 पे डिवाइड हो सकता है, 2 पे डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है, एंड इटसेल्फ हो सकता है। ठीक है, और ये और इन 2 की टेबल पे भी आता है, 3 की टेबल पे भी आता है, और ये इटसेल्फ होता है। ये थे फैक्टर्स फाइंड करना। अब आपकी बुक पे एक्सेस, आपके बुक पे जो आपको हमने वर्क दिया है समर स्टडी पैक 2 में करने के लिए, पेज नंबर 29 पे एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, राइट देम डाउन इन योर एक्सरसाइज बुक। इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं आपने अपनी नोटबुक पे। फर्स्ट मैं आपको करवा देती हूँ पार्ट ए, कैसे करेंगे, सेम उसी पैटर्न पे। नंबर है हमारे पास ए पार्ट जो है वो हमारे पास नंबर है 5। सबसे पहले हम इसके पेयर बना लेते हैं। पेयर हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 5 है, 1 × 5 = 5। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 से भी नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं हो सकता, लास्ट में 5 × 1 = 5, ये रिपीट हो जाएंगे, इसलिए हमने इसको 1 टाइम ही राइट किया। फिर हम राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 5, 1 और 5। ठीक है, ये फैक्टर्स हो जाएंगे बस। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 12 है, 16, इन सब के फैक्टर्स, और ये बात याद रखनी है फैक्टर्स हमेशा स्टार्ट 1 से होते हैं, ये स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, और जो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ हो जाता है, मतलब ये लिमिटेड होते हैं पॉइंट पे, एक पॉइंट पे आके ये एंड हो जाते हैं। ठीक है, ये अब आपको हमने जो वर्क दिया है वीक 1 में एक्सरसाइज 5 पेज 29 क्वेश्चन 2 लिस्टिंग मेथड, तो ये वही एक्सरसाइज जो मैंने मेंशन की थी अभी, ये वाली,
या आपने करनी है कैसे, उन्होंने कहा भाई आगे लिखा है लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग मेथड क्या होता है, जब हम किसी भी नंबर को लिस्ट की फॉर्म में लिखते हैं और कॉमा से उसको सेपरेट कर देते हैं, तो जो फैक्टर्स अभी हमने फाइंड किए थे ये रहे 1 और 5, तो इसको हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल लिस्टिंग मेथड हो गया, हमने लिस्ट की फॉर्म में लिख दिया तो ये लिस्टिंग मेथड हो गया। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास वीक 1 का ही वर्क है, एक्सरसाइज 8 पेज 33 क्वेश्चन 1 पार्ट इसके ABC लिस्टिंग मेथड से सॉल्व करना है। तो ये आपकी बुक पेज नंबर 33 पे एक्सरसाइज 8 इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, क्लिक सर्कल द वंस दैट आर प्राइम नंबर। पहले हमने इसके फैक्टर्स राइट करने हैं, देन उसमें से प्राइम नंबर को सर्कल करना है। ठीक है, फैक्टर्स वैसे ही राइट करने हैं जैसे अभी आपको पीछे बताया है कि फैक्टर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड जो अपने नंबर पे हो जाते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर की डेफिनेशन है यहाँ पर मैंने राइट की हुई, अब अ नंबर दैट इज़ डिवाइडेड बाई ओनली 1 एंड इट सेल्फ, वो नंबर जो या 1 पे डिवाइड होता है या फिर इट सेल्फ, इसके अलावा वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अब मैंने 1 to 10 प्राइम नंबर राइट किए हुए हैं, 1 जो प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है हमारे पास, क्योंकि 2 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो जाता है और इट सेल्फ भी होता है। सेम नेक्स्ट हमारे पास 3 है, 3 भी 1 से भी डिवाइड हो जाता है और इट सेल्फ है, मतलब 3 1 3 हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 आता है, 4 जो है वो 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए वो 1 से डिवाइड हो जाता है और इट सेल्फ भी है, लेकिन उसके वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 2 ज़ार 4। तो हमने यहाँ पर कंडीशन रखी है वो या तो 1 से डिवाइड हो या इट सेल्फ हो तो वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 4 के एक से ज़्यादा डिवाइज़र आ गए तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट हमने 5 को चेक किया, 6 को भी चेक किया, 6 के भी डिवाइज़र एक से ज़्यादा थे तो वो प्राइम नंबर नहीं है। सेम 7, तो 1 से 10 तक हमारे पास ये 4 प्राइम नंबर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स का पता चल गया, जो 1 पे या फिर इट सेल्फ डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, जब आप इनके फैक्टर्स राइट करेंगे उसमें से जो प्राइम नंबर होगा उसको आपने सर्कल कर लेना है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा।